YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पांकी प्रखंड के कर्पूरी चौक से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित डाक बंगला आज शराबियों, जुआरी और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। आसपास के रहने वालों द्वारा इस डाक बंगले का उपयोग शौचालय के रूप में भी किया जा रहा है। बता दें कि 13वें वित्त आयोग वित्तीय वर्ष 2013-14 मद से 13,55,000 रुपए की लागत से जीर्णोद्धार हुए इस डाक बंगला भवन का उपयोग प्रशासन द्वारा 3 वर्ष के बाद भी नहीं किया जा सका है। यहाँ पर शराब की बोतलें इधर उधर पड़ी हुई आसानी से देखी जा सकती है। वही भवन की दीवारें व फर्श की हालत भी बदहाल हो चली है। डाक बंगला भवन की पहाड़ी पर स्थित होने से पूरी पांकी प्रखंड का नजारा यहां से निहारा जा सकता है। पर्यटन की दृष्टि से भी यह काफी महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग वर्ग के लोग भवन के संबंध में बतलाते हैं कि यह पांकी इलाके के प्रमुख स्थानों में से एक था और भवन जीर्णोद्धार के साथ जिला परिषद की भूमि पर 23,38,000 रुपए की लागत से 16 अदद दुकानों के निर्माण से ग्रामीणों के बीच विकास की आशा जगी थी, लेकिन आज तक न तो जीप कार्यालय ही यहाँ खुला और न ही बेरोजगारों के बीच दुकानों का आवंटन हो सका। ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर कब तक सरकारी राशि का दुरुपयोग होता रहेगा। दुकानों का आवंटन नहीं करना था तो सरकारी राशि से 16 दुकानें क्यों बनवाई गई? क्या सिर्फ ठेकेदारों को मालामाल होने के लिए ही योजना स्वीकृत कराई गई थी? ऐसे कई प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। इस तरह अनेकों भवन निर्माण व जीर्णोद्धार के बाद भी बेकार पड़े हुए हैं। प्रशासनिक स्तर से यदि इस ओर ठोस पहल नहीं की गई तो आने वाले दिनों में फिर से डाक बंगला भवन जिला परिषद द्वारा नवनिर्मित दुकानों की मरम्मति कराने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।